हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बाबू थापा एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इन 100 डेज। जी हां गाइस, तो आज है हमारा 45th डे एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे। सो गाइस, बताना चाहूंगा अभी तक बाकी के प्रीवियस चैलेंजेस को आपने चेकआउट नहीं किया तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी बहुत ही ज्यादा मदद होगी। एंड साथ ही साथ वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स भी मैं अपडेट कर चुका हूं, बेसिकली अपलोड कर चुका हूं, तो अभी तक इसको भी चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो का एक प्री रिक्विजिट रहेगा, इट मींस आपको क्या आना चाहिए एंड दैट इज आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कल ही के दिन मैंने गाइस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्रैश कोर्स सिर्फ 20 मिनट में आपको कंप्लीट बताया है। आई हाईली रिकमेंड प्लीज इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज हम पासवर्ड वैलिडेशन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर आप नॉर्मल पासवर्ड वैलिडेशन करते विद द हेल्प ऑफ प्योर वैनिला जावास्क्रिप्ट आपको बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, बट विथ रेजेक्स सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना एंड आपका काम खत्म। इतना पावरफुल है गाइस आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। ये कंपनी में बहुत सारे क्या मोस्टली सभी एमएनसी कंपनी में इसका यूज होता है, तो प्लीज आप इसको एकदम एंड तक देखिएगा एंड अगर आपको आता तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल वैलिडेट पासवर्ड दैट चेक्स इफ अ गिवन पासवर्ड स्ट्रिंग मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया और नॉट, जिसमें से फर्स्ट वी हैव अ टू डू, आई मीन नॉट टू डू, इट्स अ मिनिमम लेंथ। द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा होना जरूरी है, मिनिमम 8 कैरेक्टर होना जरूरी है। इसका सिंपल मतलब आप इस समझ लीजिए, वी हैव अ केस रिक्वायरमेंट्स जहां पे कम से कम एक अपर केस लेटर एंड देन 1 लोअर केस लेटर होना जरूरी है, एंड देन अगेन कम से कम हमारे पास एक न्यूमेरिक या सिंपल कह लीजिए एक डिजिट होना जरूरी है। उसी तरीके से एट द एंड में वी नीड टू हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर्स, चाहे वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो, लेकिन एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक डिजिट एंड देन एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है एंड इन सब का लेंथ मिला के कम से कम 8 होना जरूरी है, ठीक है। सो नाउ अब ये जो फंक्शन है, बेसिकली ये जो वैलिडेशन वाला प्रोग्राम है, ये हमें लिखना है। हम इसको प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं एंड आई गेस मैं आई थिंक वो हम ऑलरेडी कर चुके, बट नाउ यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है पासवर्ड के, हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से गाइस मैं बताना चाहूंगा, वी हैव वन ऑसम वेबसाइट, बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मुझे लगा ये बहुत ही ऑसम प्लेग्राउंड है आप लोगों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ खेलने के लिए। तो कल के वीडियो में गाइस मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था एंड दैट इज कि अगर आप यू नो पैरेंथेसिस क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉलन लिख देते हो एंड देन आप इसको हवर करते हो तो ये आपका बन जाता है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, जिसमें आप 2-3 ग्रुप्स को एक साथ ऐड करके यू नो अपना जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर सकते हो। एंड गाइस आप ऑन द राइट हैंड साइड देख सकते हो कितनी इजीली पूरा एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने, इसका क्या मतलब होता है, ये नॉन कैप्चरिंग ग्रुप का क्या काम है, ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आज हमें क्या चाहिए कि एटलीस्ट एक अपर केस, एक लोअर केस, एक डिजिट, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो अब आपको ये सोचना है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कौन सा सिंटेक्स लिखूं रेगुलर एक्सप्रेशन में जिससे ये जो मेरी क्राइटेरिया है, ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो मैं बताना चाहूंगा समटाइम्स आपको ज्यादा नहीं सोचना है, समटाइम्स आपको सबसे पहले तो सर्च करना होगा क्या रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसा कोई सिंटेक्स है जो हमें ये पावर देती हो कि वो सिंटेक्स में यूज करूं तो मिनिमम एक बार आने चाहिए वाला जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाए। ऑब्वियसली वी हैव वन जिसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें सिर्फ आपको ये जो कॉलन है उसको हटाना रहेगा, आपको एक इक्वल टू दे देना है। सो द मोमेंट आप एक इक्वल टू देते हो एंड देन हवर करते हो तो ये आपका बन जाता है पॉजिटिव लुक अराउंड assertion, क्या बन जाता है पॉजिटिव लुक अराउंड, आजू बाजू देखो, सिंपल। एंड देन अब यहां पे अब आपको एक ब्रैकेट्स के अंदर ये आपका क्या कहलाएगा गाइस कैरेक्टर्स क्लासेस, ठीक है। अगर मैं यहां पे हवर करता हूं तो ये कैरेक्टर क्लास आपका बन जाता है जहां पे अब आपको क्या चाहिए कम से कम एक अपर केस होना जरूरी है। सो एक अपर केस, ऑलराइट, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं हवर करता हूं तो ये एक रेंज मैंने सेट कर दी है, वी हैव अ पॉजिटिव लुक अराउंड, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, वो हम कैसे डिफाइन करें। तो उसके लिए आफ्टर इक्वल टू वी नीड टू हैव वन डॉट। अब ये डॉट का भी अपना एक स्पेशल पावर है इन रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसका मतलब होता है एनी कैरेक्टर। ये डॉट का मतलब है मैचेस एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए कि एक स्टार यहां पर लगेगा इस तरीके से। सो नाउ ये स्टार का मतलब ये है कि हमारा ये जो कैपिटल लेटर है इसके पहले, कहने का मतलब ये है कि अब आप इस तरीके से ए ये भी लिख सकते हो या आप इस तरीके से पास लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब आप स्टार ऐड करते हो ना
मतलब ये जो कैपिटल लेटर के पहले आप कुछ लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्स अगर आप प्लस कर देते तो प्लस लिखने का मतलब ये होता कि एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर से पहले कुछ ना कुछ होना जरूरी है, एक ना एक डेटा या कैरेक्टर का होना जरूरी है। डेट्स वाई एनी लेटर डॉट मीन्स एनी कैरेक्टर, देन यहाँ पे आपको स्टार पास करना है, एस्ट्रिक पास करना, इट मीन्स हो या ना हो, लेकिन एक स्पेशल नॉट स्पेशल सॉरी एक अपर केस लेटर होना जरूरी है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको वापस कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल ए टू जेड आप ए टू आई मीन स्मॉल ए टू जेड लिख दीजिए, मतलब अब एटलीस्ट एक स्मॉल कैरेक्टर का होना जरूरी है। पेस्ट कीजिए। अब एटलीस्ट 0 से 9, क्योंकि मिनिमम एक डिजिट भी होना जरूरी है। इधर आप इस तरीके से लिख सकते हो, एल्स हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, दैट इज स्मॉल डी। अगर आप लिख दोगे तो एनी डिजिट 0 से 9 बोथ आर सेम, आप समझ रहे हो, तो ये हम कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ बस एक चीज रह गया है, एंड दैट इज फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, एंड दैट इज कैपिटल डब्ल्यू, इट मीन्स एनी नॉन वर्ड, यहाँ पे बताया भी होगा कहीं तो भी, मैचेस एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर इक्विवेलेंट टू, मतलब कैपिटल ए टू जेड, लोअर ए टू जेड, एंड देन डिजिट को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये इंटरव्यू वाले आपसे पूछ सकते हैं, अगर आप इस तरीके से नॉन वर्ड वाला ये जो शॉर्ट हैंड यूज करते हो तो इसके अंदर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है या नहीं, ये आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। आपको बोलना है यस सभी है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एंड दैट इज नथिंग बट योर अंडरस्कोर। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि नॉन वर्ड के अंदर आपका ये जो अंडरस्कोर है वो नहीं आता है, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे खुद से अंडरस्कोर ऐड कर दे रहा हूँ, एंड दिस इज इट। अब एटलीस्ट एक अपर केस, एक लोअर केस, एक डिजिट, एंड देन एक स्पेशल कैरेक्टर होना है, एंड कितना होना चाहिए मैंने कल के दिन आपको बताया था, दिस रिप्रेजेंट योर रेंज, मैंने बोला मिनिमम मेरे को 8 चाहिए, मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है, खत्म। ये देखो ये क्वांटिफायर से जहां पे हम रेंज बता रहे, बस यही है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे ये तो अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ, तो एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो लास्ट में हमने क्वांटिफायर्स जो पास किए, क्योंकि हमने इतना सब कुछ लिख दिया है लुक अराउंड, एंड जगह जगह हमने डॉट ऑपरेटर यूज किया, इट मीन्स कि कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन जब मैंने ये क्वांटिफायर पास किया तो उसके पहले भी तो मुझे यहाँ तो इधर एस्ट्रिक या तो मुझे प्लस या तो हमें यहाँ पे डॉट यूज करना पड़ेगा, एंड बूम गाइस। तो समटाइम्स आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा कि मैं क्या यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब ये डॉट का मतलब सिंपल यही है कि कोई भी कैरेक्टर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट एक न्यू लाइन। अब हो गया ना, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कंडीशन था एंड मैंने डॉट यूज कर दी, इट मीन्स कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, तो इन चारों में से एक ना एक होना ही चाहिए, एंड उसके बाद जो मैंने मिनिमम 8 का है वो कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो लेकिन कम से कम 8 होना जरूरी है। एंड ये देखो मेरा सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ ये काम नहीं करेगा, पास कैपिटल डी लिख दू एंड 1 1 लिख दू ये भी काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी उल्टा फुलटा ये एंड देन एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दी एंड बूम गाइस, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें फुलफिल हो रही है, तो ये मेरा कोड रेडी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कॉन्स्ट रेजेक्स विल बी इक्वल टू, इस तरीके से है ना, मैं पास कर देता हूँ। एंड बाय द वे अब फाइनली यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बैक स्लैश एक बैक स्लैश। अब सबसे पहले ठीक यहाँ पे उससे पहले इसको एंड करने के लिए एक डॉलर लगता है हमें, एंड आपका रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने के लिए कैरेट लगता है, खत्म, मेरा ये काम हो गया है। मैं यहाँ पे चलूंगा, अब मैं रिटर्न करूंगा रेजेक्स डॉट टेक्स्ट सॉरी टेस्ट, एंड इसके अंदर सिंपली ये जो भी पासवर्ड हमें मिला होगा, बेसिकली जो भी पैरामीटर है, आई मीन जो भी आर्गुमेंट में पासवर्ड पास किया गया है उसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज इट। तो हमने हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है, एंड हमने डॉट टेस्ट मेथड की मदद से ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो पासवर्ड है वो इसको फुलफिल कर रहा है या नहीं, अगर नहीं करेगा तो फॉल्स करेगा तो ट्रू, एंड मैं अब इसको रन करता हूँ, सो बूम गाइस सी इट्स अ ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड देन ट्रू, जो कि बराबर है एकदम, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक नॉन कैप्चरिंग ग्रुप क्या होता है, आज ये वाला जो सिंटेक्स दिखने में कितना वेर्ड है बट इट्स अ पॉजिटिव लुक अराउंड, एंड इसकी क्यों हमें नीड पड़ी वो भी मैंने बताया, डॉट का क्या मतलब है वो भी मैंने बताई, हमने यहाँ पे ये प्लस यूज ना करके क्यों हम एस्ट्रिक साइन यूज कर रहे वो भी मैंने बताया, एंड जस्ट कभी भी किसी भी स्ट्रिंग में एटलीस्ट ये एक बार आना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आया आंख बंद करो ये कॉपी पेस्ट करके लिख दो, मैंने आपको बताया भी, खाली कॉपी पेस्ट नहीं करके मैंने बताया भी इसका क्या मतलब होता है,
एंड ये क्वांटिफायर्स आपको मालूम ही है, ठीक है। सो वंस अगेन गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके पास कोई इंटरव्यू क्वेश्चन हो जो आपसे पूछा गया था ड्यूरिंग इंटरव्यू, आप लोगों के साथ अगर शेयर करना चाहते हो प्लीज वो भी कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। ये जो मेरा जस्क्रिप्ट का कोर्स को जरूर देखिएगा। एंड कल के दिन मैं एक बहुत ही ऑसम वीडियो लेके आने वाला हूँ जहां पे हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट जेएस, बेसिकली रिएक्ट जेएस कैसे स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री लेके आने वाला हूँ। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।